इस क्षेत्र के लाड़ले आपके अपने भाई, आपके अपने बेटे प्रदुम सिंह तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के स्तंभ, हमारे उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी जी, जिले के हमारे अध्यक्ष अभय चौधरी जी, अशोक शर्मा जी, राजकुमार परमार जी, अरविंद राय साहेब, विनोद शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, इस क्षेत्र के हमारे मंडल अध्यक्ष प्रयाग सिंह तोमर जी, आकाश श्रीवास्तव जी, मनमोहन पाठक जी, ब्रजमोहन शर्मा जी, योगेंद्र सिंह तोमर जी, दारा सिंह सेंगर जी, शैली शर्मा जी, शिव सिंह यादव जी, केशव माझी जी, गुड्डू रत्नाकर जी, मंजू राजपूत जी, महेंद्र आर्य जी, देवेंद्र राठौर जी, परवेश खान साहब, मुलायम यादव जी, धर्मेंद्र आर्य जी, महेश उमरिया जी, श्रीमती शकुंतला परिहार जी, श्रीमती वंदना प्रेमी जी, श्रीमती मीना चौहान जी, श्रीमती भावना कनौजिया जी, श्रीमती गीता सिकरवाल जी, भगवान दास प्रजापति जी और समस्त मंचासी महानुभव, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस जनकताल और आसपास से आए हुए समस्त क्षेत्र की मेरी जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं, और मीडिया के मेरे सभी भाई बंधुगण, आज इस दिवस पर आपके और हमारी गृहनगरी ग्वालियर में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास इस ग्वालियर विधानसभा में इस कार्यक्रम के जरिए पूर्ण रूप से संचार होगा, मुझे इस बात का पूरा पूरा विश्वास है। जिंदगी में मेरे भाई और बहनों, स्पष्ट हो जाता है, जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है, माता पिता का बच्चों के साथ रिश्ता होता है, भाई भाई के बीच में रिश्ता होता है, कुछ न कहकर भी अपनी कार्यशैली के आधार पर, अपने मन के भाव के आधार पर और आंखों में आंख झांक कर मन की भावना सतत रूप से एक व्यक्ति के हृदय से दूसरे व्यक्ति के हृदय पर पहुंच पाता है। अब कलयुग का जमाना है और कलयुग के जमाने में राजनीति में भी कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत सारे आश्वासन दे देते हैं, लेकिन आश्वासन देने के बाद बड़े बड़े सभाओं को में उपस्थित होने के बाद दोबारा वापस अपना चेहरा दिखाते नहीं है 5 साल के लिए। मुझे गर्व है आज कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के निर्देशन में राष्ट्र की सेवा, मां भारती की सेवा में तत्पर हूं, जिस व्यक्ति के 24 घंटे के 24 घंटे में
केवल माँ भारती के प्रति देश भावना और प्रेम भावना और आपका विकास और आपकी प्रगति ही दिखती है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को राह नहीं दिखाया है लेकिन देश के जन जन को राह दिखाया है, जिनके जीवन में एक ही साथी रहा, जिनके पूर्ण जीवन में एक ही साथी रहा, उस साथी का नाम संघर्ष रहा। जन्म से आज तक संघर्ष का पथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनाकर अपने नाम को आगे ना करकर भारत माता का नाम एक स्वर में और दूसरे हाथ में तिरंगे के झंडे को लेकर भारत के नहीं अंदर नहीं विश्व पटल पर केवल नहीं लेकिन आज तो चांद पे भी तिरंगे को गाड़ के रख दिया। आज वो सेवक आपके सामने बैठे हुए हैं, ये राजनीतिक दल केवल नहीं है मेरे भाई और बहनों, ये भारत माता के नाम को विश्व पटल पर उजागर करने वाली आपकी सेना है और आज उस सेना का एक ऐसा कार्यकर्ता जो आप किमे से ही उभर के आया, आपका था, आपका है और जीवन की आखिरी सांस तक आपका ही रहेगा। जहां कठिनाई हो, जहां संघर्ष हो, वहां आप किसी और को पाओ या न पाओ लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर को आप जरूर पाओ। अपनी चिंता न करके आज रहस्य मैं आपको बता दूं, मैंने इसको कई बार टोका है, कभी इसका खून का प्रेशर बढ़ जाता है, कभी इसके सिर में इतना दर्द होता है कि सिर फटने का समय आता है लेकिन ये कभी अपनी चिंता नहीं करता, केवल ग्वालियर के राज्य की चिंता करता है। दर दर भटकता है, गली गली में जाता है, मोहल्ले मोहल्ले में जाता है और ऐसे बहुत बिरला जनसेवक होते हैं जो ना तेरा का सोचे, ना मेरा का सोचे, ना तेरा का सोचे, ना मेरा का सोचे, सबके लिए ये हमारा है। और आज ऐसे जनसेवक के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सेना उसी सेवा भाव के साथ खड़ी है और आज इस ग्वालियर के कार्यक्रम में आप सोचो एक शराब की दुकान को बंद करने के लिए कभी भी सुना है मध्य प्रदेश के इतिहास में कि कैबिनेट तक मेरे साथ लड़ा, अध्यक्ष जी के साथ लड़ा, मुख्यमंत्री के साथ लड़ा और रुका नहीं जब तक कैबिनेट में वो पारित नहीं हुआ कि शराब की दुकान बंद हो गई। सच्चाई है, हट भी हो तो इसकी तरह हो। आपके सामने साष्टांग नमस्कार,
मुख्यमंत्री ने बंद करवा दिया तो कैबिनेट के अंदर मुख्यमंत्री के सामने साष्टांग नमस्कार। और अपना काम मतलब आपका काम कराकर ही चैन की सांस ले लेता है, सही है कि नहीं? जिन्होंने मुझे सूचित किया
कि ग्वालियर की सड़कों में हमें तब्दीली लानी पड़ेगी। और आज मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के इस पूरी टीम के साथ मिलकर ग्वालियर के चप्पे चप्पे के सड़कों का हमने जीर्णोद्धार किया और 27 करोड़ के सड़कों का लोकार्पण हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। और अभी चिंता मत करना, 19 और सड़कें मैं करा रहा हूं, मैं ग्वालियर का एक सड़क नहीं छोड़ूंगा। जो कांग्रेस के शासनकाल में एक तरफ जहां यहां भाजपा की तलवार और धार विकास की है, कांग्रेस की शासनकाल में 2003 में श्रीमान बंटा धार थी, तब ग्वालियर की सड़कों का क्या हाल था? हमको ढूंढना पड़ता था कि सड़क कहां शुरू होता है और गड्ढा कहां खत्म होता है। और आज ग्वालियर की सड़कें मखमल की तरह बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं। और मैं ना रुकूंगा, ना मैं एक सेकंड राहत की सांस लूंगा जब तक मैं अपने और आपके ग्वालियर को मध्य प्रदेश के सबसे विकसित शहर के रूप में परिवर्तित नहीं। अपने पूज्य पिताजी
जनकोजी राव महाराज के नाम पर उस कालखंड में बनाया था, ताकि जनकोजी राव महाराज का नाम जिंदा ही रहे। और शायद आप में से कई लोग जनकोजी राव महाराज का वीर इतिहास नहीं जानते। राकेश तो जानता है, राकेश इतिहासकार है और बड़े अच्छी तरह से इतिहास सुनाता है। मैं स्वयं मैंने इनकी क्षमता का अनुभव किया है। जनकोजी राव महाराज जब मराठाओं की सेना सदाशिव भाव के नेतृत्व में महाराष्ट्र से निकली थी अहमद शाह अब्दाली का सामना करने के लिए, जो अफगानिस्तान का राजा था, भारत के ऊपर राज करना चाहता था, रोहिला राजा उत्तर प्रदेश का नजीबुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। उस समय जब मराठाओं ने अहमद शाह अब्दाली का सामना किया था पानीपत के तीसरी लड़ाई में, सिंधिया परिवार के 16 वंशज छत्रपति महाराज के सेना में सेनापति के रूप में विराजमान थे। उन 16 वंशजों में से 15 वंशज उस पानीपत की लड़ाई में शहीद हुए। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा उनके सिर काटे गए, बच्चे पे डाले गए। केवल एक परिवार का वंशज बचे थे उस लड़ाई में, जो वीर भूमि में उनका पैर कटा हुआ था, घायल पड़े हुए थे, उनका नाम था महाजी महाराज। और महाजी महाराज ने उस लड़ाई के बाद एक अपाहिज राजा, लड़ाई के बाद 1761 की बात कर रहा हूं, मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को, जब उस परास्त होने के बाद मराठा सेना महाजी महाराज अकेले सेनापति एक पांव के, उन्होंने एक साथ मिलकर 10 साल के अंदर दोबारा सेना खड़ा करके अपने पति पत्नी के जेवर को बेच के, अपनी माँ के जेवर को बेच के मराठा साम्राज्य की सेना को खड़ा करके दिल्ली के लाल किले पर, मराठाओं के छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा झंडा हिंदवी स्वराज का लहरा कर उन्होंने कैन की साथ दी। यह भी इतिहास है हमारे क्षेत्र का, हमारे ग्वालियर का। और जनकोजी महाराज जिनका उम्र केवल, आपको आश्चर्य होगा, 17 साल का था उस पानीपत की लड़ाई में, अहमद शाह अब्दाली ने उन्होंने रणभूमि से पकड़ के ले गए, अपनी सेना के कैंप में रखा। उनके आंखों में जलते हुए क्या कहते हैं वो स्टील के रॉड को, जलते हुए सलाखों को उनके आंखों के अंदर डालकर उनको अंधा किया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। लेकिन जनकोजी महाराज एक बार भी नहीं हिले और उनके स्मृति में ये जनक ताल लगाया गया है। मेरे भाई, ये जनक ताल का ये इतिहास है। और आज मैं प्रदुम जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि ऐसे वीर भारत माता के वंशज को उनके नाम के ताल पर सौंदर्यकरण का कार्य किया गया। ये ग्वालियर की माटी बुलंद माटी है, ये माटी सबको अपनाती है, लेकिन अगर इस माटी के साथ कोई वादा खिलाफी करे, कोई अगर इस माटी के साथ बदले की सोच और विचारधारा के साथ कार्य करे, तो ये माटी भी उनको परास्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज ग्वालियर में एलिवेटेड रोड का कार्यक्रम शाम को होने वाला है। पहले किस्म में तो ये प्रदुम सिंह जी अपना चुरा के ले गए,
ट्रिपल आईटीएम से हमारे रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल तक और वहां से किले तक करीब करीब 10 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड 450 करोड़ की, गडकरी साहब स्वयं आए थे। आज उसका दूसरा किस्त वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से 1984 पुलिस चौकी तक 7.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, जिस पर 10 प्रवेश फ्लाईओवर होंगे, 9 निकलने के फ्लाईओवर होंगे, अकेले प्रवेश और निकलने के फ्लाईओवर के साथ 5 किलोमीटर की पुलें बन रही हैं मेरे भाइयों में। 8 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, इनका 7.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, 15 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, जैसा दिल्ली का रिंग रोड है, भोपाल में हमारे तालाब के चारों तरफ रिंग रोड है, वैसा ही मेरे ग्वालियर में रिंग रोड सनरेखा नाले पे एलिवेटेड रोड बनेगा। ग्वालियर की फिजा को हम बदलेंगे। दूसरे तरफ एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, 1000 बिस्तर का अस्पताल बन चुका, 165 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन चुका, हजीरे में इनका 25 करोड़ का अस्पताल बन चुका, जो आज पूरे प्रदेश में 1 नंबर पर आ चुका, मुरार में हमारा जिला अस्पताल बन चुका, तो मैंने स्वयं पिछले हफ्ते लोकार्पण किया है। तो ग्वालियर मेरे भाइयों बहनों, हमारा ग्वालियर नया ग्वालियर, हमारा ग्वालियर बदलता हुआ ग्वालियर मेरे भाइयों ने। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सफर निरंतर चलती चाहिए कि नहीं? अरे चलनी चाहिए कि नहीं? और जिन लोगों ने हमारे क्षेत्र के विकास और प्रगति में गति अवरोधक के नाम पे काम का किया था, 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, क्या एक फूटी कौड़ी मिली है हम लोगों को? क्या एक योजना मिली? और अगर आप कोरोना काल को निकाल लो तो शिवराज सिंह जी की सरकार को भी केवल 15 महीने मिले हैं, और उस 15 महीनों में 500 करोड़ का एयरपोर्ट, उस 15 महीने में 450 करोड़ का रेलवे स्टेशन, उस 15 महीने में 500 करोड़ रुपए का 1000 बिस्तर का अस्पताल, उस 15 महीने में 165 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, उस 15 महीने में 25 करोड़ का हजीरा का अस्पताल, उस 15 महीने में 22 करोड़ का मुरार का अस्पताल, उस 15 महीने के अंदर 1300 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड, उस 15 महीने के अंदर ग्वालियर के लिए जो आज शिलान्यास हम करने जा रहे हैं, चंबल से पानी मैं लाऊंगा, मैंने आपको 2018 में किया था, जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने नहीं होने दिया, वो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी ने आज करा दिया मेरे भाइयों ने। आज आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया। अरे बोलो, ठीक किया कि नहीं किया? मैंने ठीक किया कि नहीं किया? अब आप ठीक करेंगे या नहीं करेंगे? आप ठीक करोगे या नहीं करोगे? अरे दादा, ठीक करोगे कि नहीं करोगे? अरे ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? हाथ उठा के करो, बोलो ठीक करोगे कि नहीं करोगे? भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद।